वेरी गुड मॉर्निंग एवरी वन. आई एम सुदेशना फ्रॉम प्रेमचंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल एंड वेलकम टू द सेवेंथ क्लास. स्टूडेंट्स, टुडे इज संस्कृत क्लास और आज हम आपकी पाठ्य पुस्तिका का पाठ 19 पढ़ेंगे जिसका नाम है अस्माकम देशः. ठीक है, तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा. आप सभी को तो पता होगा कि हमारे देश का क्या नाम है, भारत है. ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. वयम भारते निवसामः. वयम माने हम सब, भारते भारत में, निवसामः निवास करते हैं या रहते हैं. हम सब भारत में रहते हैं या निवास करते हैं. इदम अस्माकं मातृभूमिः या स्वर्गादपि गरीयसी. इदम माने यह, अस्माकम हमारी, मातृभूमि ही या मातृभूमि, स्वर्गादपि स्वर्ग से भी, गरीयसी महान है. यह हमारी मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है. अस्याह रक्षार्थम सर्वस्व उत्सर्गम कर्तुम वयम सततम सन्नद्धाः तत्पराश्च स्माम. अस्याह माने इसके, रक्षार्थम रक्षा के लिए, सर्वस्व उत्सर्गम मीन्स सब कुछ त्यागने, कर्तुम करने के लिए, वयम हम सब, सततम लगातार, सन्नद्धाः मीन्स सन्नद्ध. ओके, तत्पराश्च मीन्स वह तत्पर स्माम है. तो इसकी रक्षा के लिए हम सब कुछ त्याग करने के लिए हम सब लोग लगातार तत्पर हैं और सन्नद्ध हैं. ठीक है, विश्वे भारतम बृहत्तमः प्रजातंत्रात्मकः देशो अस्ति. विश्वे संसार में भारतम, भारत बृहत्तमः मतलब बहुत बड़ा, प्रजातंत्रात्मकः प्रजातंत्रात्मक देशो अस्ति देश है. संसार में, विश्व में भारत बहुत बड़ा प्रजातंत्रात्मक देश है. 1950 तमात ख्रिस्टाब्दादारभ्य अद्य अवधि पर्यन्तं गणतंत्रात्मकस्य शासनस्य साफल्यस्य सर्वत्र प्रशंसा भवति. 1950 से ख्रिस्टाब्दादारभ्य मतलब ईसवी के प्रारंभ से, शुरुआत से. ठीक है, अद्य अवधि पर्यन्तं मतलब आज तक, आज के समय तक, गणतंत्रात्मकस्य गणतंत्र की, शासनस्य शासन की, साफल्यस्य सफलता का, सर्वत्र सभी जगह प्रशंसा प्रशंसा भवति होती है. तो 1950 ईस्वी के शुरुआत से लेके आज तक गणतंत्र शासन की सफलता का सभी जगह प्रशंसा होती है. अस्मिन् देशे पञ्चविंशत्यधिकशतकोटि जनता सहकारेण वसति. यद्यपि जनसमूह विभिन्न धर्मावलंबी, विभिन्न भाषा भाषी, विभिन्न जातीयः, विभिन्न भोजन भोगी, नाना वेशधारी चा अस्ति. अस्मिन् माने इस देशे, देश में, पञ्चविंशत्यधिकशतकोटि जनता मतलब 25 करोड़ से भी अधिक जनता या लोग, सहकारेण मतलब आपस में मिलजुल कर वसती रहते हैं. यद्यपि,
यहाँ के जनसमूह रहने वाले लोग विभिन्न मतलब अलग अलग या कई तरीके के धर्मावलंबी, धर्म को मानने वाले, विभिन्न भाषा भाषी, भाषा बोलने वाले, विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले, विभिन्न जातीय, विभिन्न जाति वाले, विभिन्न भोजन भोगी, विभिन्न विभिन्न भोजन खाने वाले, नाना वेशधारी मतलब विभिन्न प्रकार की वेशभूषा धारण करने वाले, पहनने वाले चौअस्ती और हैं। तो इस देश में 25 करोड़ से भी ज़्यादा जनता एक साथ रहती है और यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, जो आपस में मिलजुल कर रहते हैं, वो विभिन्न धर्मों को मानने वाले, विभिन्न भाषा बोलने वाले, विभिन्न जाति के हैं और विभिन्न प्रकार के भोजन खाने वाले हैं और अलग अलग तरीके के वस्त्रों को धारण करने वाले हैं। तथापि सर्वे जनाः आत्मनः भारतीयः मन्यते, तथापि माने फिर भी सर्वे सभी जनाः लोग आत्मनः स्वयं को या अपने को भारतीयः भारतीय मान्यन्ते मतलब मानते हैं। फिर भी सभी लोग अपने आप को भारतीय मानते हैं। भारतस्य इदं वैशिष्ट्यं यत् वैषम्य सति सर्वे जनाः एक सूत्रे मणिगणार्य प्रोताः सन्ति। भारतस्य इदं मतलब भारत की यह वैशिष्ट्यं विशेषता है, यत की वैषम्य विषम सति माने समय में सर्वे सभी जनाः लोग एक सूत्रे एक सूत्र में मणिगणारिव मतलब मणि की भांति जिस प्रकार माला में बहुत सारे मोतियों को पिरोया जाता है, प्रोताः पिरोता संति है। तो भारत की यह विशेषता है कि विषम परिस्थितियों में या कठिन परिस्थितियों में उन समय में सभी लोग एक सूत्र में मणि की भांति, जब एक माला में काफ़ी सारे मणियों या मोतियों को पिरोया जाता है और एक साथ एकजुट हो जाते हैं, उसी प्रकार भारत के लोग भी क्या करते हैं, विषम परिस्थितियों में एकजुट हो जाते हैं। ठीक है, केनापि केविना उक्तमिदं यत् गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते ये भारत भूमि भागे, वस्तुतः वयं भाग्यशालिनी यतो हि अस्माकं जन्म भारते अभवत्। केनापि किसी कवीना कवि ने उक्तमिदं कहा है यत कि गायन्ति गाते हैं देवाः देवता किल माने जन्म, गीतकानि गीतों को, धन्यास्तु धन्य होते हैं ते ये वह भारत भूमि भागे, भारत भूमि है। वस्तुतः वास्तव में वयम हम सभी भाग्यशालिनः मतलब भाग्यशाली हैं, यतो ही क्योंकि अस्माकं हमारी जन्म भारते भारत में अभवत हुआ है। किसी कवि ने कहा है कि देवता जिसके जन्म गीतों को गाकर धन्य होते हैं वह भारत भूमि है। वास्तव में हम सभी भाग्यशाली हैं क्योंकि हमारा जन्म भारत में हुआ है। ओके, आगे चलते हैं। भारतम प्रकृत्याः
वर्धानमस्ति। भारतम माने भारत को प्रकृतियाः प्रकृति का वरदानमस्ति वरदान है। भारत को प्रकृति का वरदान है वो हम जानते हैं कैसे। अत्र षड ऋतवः प्रतिवर्षं भवन्ति। अत्र माने यहाँ, षड ऋतवः छः ऋतुएं प्रतिवर्षं हर वर्ष या प्रतिवर्ष भवन्ति होती हैं। यहाँ भारत में हर वर्ष छः ऋतुएं होती हैं। प्रत्येक ऋतु हो मास द्वयम् तिष्ठति। प्रत्येक ऋतु हो माने हर ऋतु या प्रत्येक ऋतु मास द्वयम् दो मास या दो माह तक तिष्ठति रहती है। प्रत्येक ऋतु दो माह तक रहती है। अत्रत्याह जनाः नाना ऋतूनाम् आनंदम् अनुभवन्ति। अत्रत्याह मतलब यहाँ के जनाः लोग नाना ऋतूनाम् विभिन्न प्रकार की ऋतुओं का आनंदम् आनंद अनुभवन्ति अनुभव करते हैं या लेते हैं। यहाँ के लोग विभिन्न प्रकार की ऋतुओं का आनंद अनुभव करते हैं। अन्य देशेषु नैव एतत् सुलभम् अस्ति। अन्य देशेषु मतलब अन्य देशों में नैव नहीं एतत् यह है सुलभम् मतलब सुलभ अस्ति है। अन्य देशों में यह है सुलभ नहीं है यह उपलब्ध नहीं होती। ठीक है, छः ऋतु और किसी देश में नहीं मिलती हमें देखने को महसूस करने को। अस्य उत्तरस्याम दिशि पर्वत राजः हिमालयः विराजते। अस्य माने इसके उत्तरस्याम मतलब उत्तर दिशि दिशा में पर्वत राजः पर्वत राज हिमालयः हिमालय विराजते विराजता है। तो इसके उत्तर दिशा में पर्वत राज हिमालय विराजता है। हिमालयस्य महिमा वर्णनातीत अस्ति। हिमालयस्य हिमालय की महिमा मतलब महिमा वर्णन अतीत अस्ति मतलब वर्णन से भी अधिक है। हिमालय की महिमा वर्णन से भी अधिक है, उसके जितनी भी वर्णन किया जाता है उससे कहीं अधिक है। ठीक है, हिमालयः पर्यटकेभ्यः आकर्षण केंद्रम अस्ति। हिमालय माने हिमालय पर्यटकेभ्यः पर्यटकों के आकर्षण केंद्रम अस्ति आकर्षण का केंद्र है। हिमालय पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र है। यदि पृथ्वीयां कुत्रापि स्वर्गास्ते तहिर हिमालय क्रोडे स्थित कश्मीरस्य श्रीनगरे अयमस्ति। यदि माने यदि पृथ्वीयां पृथ्वी पर कुत्रापि कहीं भी स्वर्गास्ते स्वर्ग है तहिर हिमालय क्रोडे तो हिमालय की गोद में स्थित कश्मीरस्य स्थित कश्मीर के श्रीनगरे श्रीनगर में अयमस्ति यह है। यदि पृथ्वी पर कहीं भी स्वर्ग है तो हिमालय की गोद में स्थित कश्मीर के श्रीनगर में ही स्थित है। ठीक है, अस्माकं देशे भारते सदा सलिल पूरितानां नदीनां नास्ति अभावः। अस्माकं माने हमारे देशे देश भारते भारत में सदा सलिल पूरितानां मतलब हमेशा स्वच्छ या ठंडा पानी से भरे। ठीक है, नदीनां नदियां नास्ति
नहीं है अभाव, अभाव या कमी। हमारे देश भारत में स्वच्छ व ठंडा और शीतल पानी से भरी नदियों का अभाव नहीं है। अस्य भूमिः उर्वरा अस्ति। अस्य माने इसकी भूमि ही, मतलब जमीन या भूमि, उर्वरा उर्वरा या उपजाऊ अस्ति है। इसकी भूमि उर्वरा या उपजाऊ है। अतः फुल कुसुमित द्रुमदल शोभितः शस्य श्याली देशो अयम सर्वेषां मनः हरति। अतः माने अतः फुल कुसुमित द्रुमदल शोभितः मीन्स पेड़ों पर खिले हुए फूल, रंग बिरंगे जो फूल होते हैं वो सुशोभित होते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। शस्यशाली मतलब हरियाली है। देशो अयम यह देश सर्वेषां सभी का, मनः मन हरति हरता है। अतः वृक्षों पर जो रंग बिरंगे फूल सुशोभित हैं जिनकी वजह से हमारे देश में हरियाली है, तो यही कारण है कि हमारा ये देश सभी का मन हरता है। अन्न संपन्नो अयम देशः। अन्न संपन्नो अयम मतलब अन्न से संपन्न यह देशः, देश यह देश अन्न से संपन्न देश है। अस्य चरण प्रक्षालनम अहर्निशम सागराः कुर्वन्ति। अस्य चरण प्रक्षालनम मतलब इसके पैरों को धोने के लिए अहर्निशम मतलब रात दिन सागराः सागर कुर्वन्ति करता रहता है। तो हमारा जो देश है भारत देश, इसके चरणों को धोने के लिए सागर क्या करता है, रात दिन पानी बहाता है और इसके पैरों को चरणों को धोता रहता है। ठीक है। अस्य देशस्य पार्श्ववर्तिनः श्रीलंका दक्षिणे पाकिस्तान अफगानिस्तानश्च पश्चिमे म्यांमार पूर्व स्मश्च सन्ति। अस्य माने इस देशस्य देश के पार्श्ववर्तिनः मतलब पास में नीचे श्रीलंका श्रीलंका दक्षिणे दक्षिण में पाकिस्तान, ठीक है पाकिस्तान सभी को पता है, अफगानिस्तानश्च अफगानिस्तान और पश्चिमे पश्चिम में म्यांमार म्यांमार पूर्वस्मिश्च पूर्व में आदि और संति हैं। तो इस देश के पास में नीचे श्रीलंका, दक्षिण में क्या है पाकिस्तान और पश्चिम में अफगानिस्तान है और पूर्व में म्यांमार आदि हैं। ठीक है। पूरा भारत वर्षम जगत गुरुः आसीत। पूरा माने प्राचीन समय में भारत वर्षम भारत वर्ष जगत गुरु आसीत था। पुराने समय में भारत वर्ष जगत गुरु था। अत्रतः ज्ञान प्रकाशः सर्वत्र प्रसारत। अत्रतः मतलब यहाँ का ज्ञान प्रकाशः ज्ञान प्रकाश सर्वत्र सभी देशों में प्रसारत फैला। यही का जो ज्ञान प्रकाश था वो सभी देशों में फैला। वेदाः उपनिषद च आदि ग्रंथाः सन्ति। वेदाः मतलब वेद, उपनिषदश्च मतलब और उपनिषद, आदि ग्रंथाः मतलब आदि ग्रंथ सन्ति हैं।
तो वेद और उपनिषद आदि ग्रंथ हैं। भारतात वसुदेव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः अहिंसा परमो धर्मः आदि मंत्राणा मुद्घोषः अभवत्। भारत से वसुधैव कुटुंबकम मतलब पूरी वसुधा ही हमारा कुटुंब है। ओके, सर्वे भवन्तु सुखिनः मतलब सभी लोग सुखी हो, सभी सुखी हो। अहिंसा माने अहिंसा ही, परो धर्म है, ठीक है। आदि मंत्रणा मुद्घोषः मतलब आदि मंत्रियों का उद्घोष अभवत हुआ। तो भारत की जो मंत्री हैं, ठीक है, मंत्रियों का उद्घोष हुआ है। एंड जो अच्छे अच्छे बातें हैं, जैसे पूरी वसुधा ही हमारा कुटुंब है, सभी सुखी हो, अहिंसा ही पर धर्म है, ये कहाँ से आई? ये सभी भारत देश से ही आई हैं, ठीक है। अधुनापि भारतम सर्वेषु देशेषु परम सहिष्णु देशो अस्ति। अधुनापि मतलब आज भी भारतम भारत सर्वेषु सभी देशेषु देशों में परम सहिष्णु मतलब परम सहिष्णु देशो अस्ति देश है। आज भी भारत सभी देशों में परम सहिष्णु देश है, ठीक है। 1947 तमात ख्रिस्टाब्दात पूर्वम भारतम ब्रिटिश सर्वकारेण पराधीन मासीत महात्मनः गांधी महात्मनस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य तथा अन्येषां देशभक्तानां नेतृणाम् अथक प्रयत्नेन अगस्त मासस्य पंचदेशे दिनांके 1947 तमे ईस्वीय वर्षे भारतम स्वाधीनम अभवत। 1947 तमात मतलब 1947 से, ख्रिस्टाब्दात मतलब ईस्वी से, पूर्वम पूर्व, भारतम भारत में ब्रिटिश सर्वकारेण ब्रिटिश सरकार के पराधीनमस्ति मतलब पराधीन था। तो 1947 से पूर्व भारत ब्रिटिश सरकार के पराधीन था। महात्मनः मतलब महात्मा, कुछ महात्मा लोग थे। गांधी महात्मनस्य महात्मा गांधी के, पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदय के, तथा अन्येषाम अन्ये देशभक्तानां देशभक्तों के नेतृणाम नेतृत्व में अथक प्रयत्नेन अथक प्रयास से अगस्त मासस्य मतलब अगस्त मास के पंचदशे 15 दिनांके तारीख 1947 तमे ईस्वीय मतलब ईस्वी में वर्षे वर्ष में भारतम भारत स्वाधीनम स्वतंत्र अभवत हुआ था। तो कुछ जो महात्मा लोग थे, जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और अन्य देशभक्तों के नेतृत्व के अथक प्रयास से 15 अगस्त 1947 ईस्वी में भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ था। ततः प्रभृति अस्माकं देशः उत्तरोत्तरं प्रगतिपथि अग्रसरो अस्ति। तो
ततः प्रभृति अस्माकं, मतलब जो हमारा देश है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। हमारा देश, देशः, देश, उत्तरोत्तरम, मतलब लगातार, ठीक है, प्रगति पथि, प्रगति के मार्ग पर, अग्रसरोस्ति, अग्रसर है। तो हमारा जो देश है वो लगातार प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। यथा शीघ्रम सह स्वपूर्व गौरवम प्रतिष्ठांच प्राप्स्यति, मतलब यथा शीघ्रम, जल्दी ही सह वह स्वपूर्व गौरवम, अपना पूर्व गौरव, प्रतिष्ठांच, प्रतिष्ठा व प्राप्स्यति, प्राप्त करेगा। जल्द ही वह अपना पूर्व गौरव और प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। भारते पुरुषोत्तमः श्रीरामः, योगेश्वरः श्रीकृष्णः, महर्षि पतंजलिः, बुद्धः तीर्थंकर महावीरः, शंकराचार्यः, दयानन्दः, विवेकानन्दः आद्यः महापुरुषाः अजायन्त। भारते, भारत में पुरुषोत्तमः, पुरुषों में उत्तम श्रीरामः, श्रीराम, योगेश्वरः, श्रीकृष्णः, योगी योगेश्वर, श्रीकृष्ण, महर्षि पतंजलि ही महर्षि पतंजलि, बुद्धः बुद्ध, तीर्थंकर महावीरः तीर्थंकर महावीर, शंकराचार्यः शंकराचार्य, दयानन्दः दयानंद, विवेकानन्दः विवेकानंद, आद्यः आदि महापुरुषः महापुरुष, अजायन्ते पैदा हुए। तो भारत में देखो कौन कौन से महापुरुष पैदा हुए थे। पुरुषों में उत्तम श्रीराम, योगेश्वर, श्री कृष्ण, महर्षि पतंजलि, बुद्ध, तीर्थंकर महावीर, शंकराचार्य, दयानंद, विवेकानंद आदि महापुरुष पैदा हुए। तेषां संततियः वयम्, तेषां माने उनके, संततियः मतलब संतान, वयम् हम सभी उनके संतान हैं। प्रयत्नशीलाः देशभक्ताः वयम्, स्वाधीनं भारतं सर्वदा सर्वशः द्रविष्यामः तथा अस्य उत्कर्षं पुनः प्रतिस्थापयिष्यामः। प्रयत्नशीलाः मतलब प्रयत्नशील देशभक्ताः, देशभक्त वयम्, हम सभी, स्वाधीनं स्वतंत्र, ठीक है, स्वतंत्र भारतम भारत, सर्वदा हमेशा, सर्वशः मतलब सभी, रविश्यामः रविश्याम तथा और अस्य इसके उत्कर्षम मतलब उत्कर्ष पुनः फिर से, स्थापित यप्यामः मतलब स्थापित करेंगे। तो हम सभी देशभक्त अपने इस प्रयत्नशील भारत को स्वतंत्र भारत बनाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे और उसके उत्कर्ष को फिर से स्थापित करने की कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, आपको आज का पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।